हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ब्रेड का स्लाइस कलर करके दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम जैसे क्यूब बनाते हैं, दो पैरेलल लाइंस, तीन पैरेलल लाइंस एक्चुअली, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ये आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ है बेसिक शेप्स में, जैसे क्यूब बनाए थे हमने। तो दो स्लाइस मैंने एक के नीचे एक बना के रखी हल्के हाथों से। तो उसके लिए जो कलर्स लगेंगे वो सारे इस तरह के कलर्स मैंने हाथ में ले लिए हैं, स्किन कलर, बफ कलर, ऑकर येलो, लाइट ब्राउन, है ना, इस तरह से ब्राउन, ये चीजें मैंने हाथ में ले ली है। ठीक है, तो बेसिकली जो है मैं बीच का जो है ब्रेड का वो कलरिंग करूंगी। हो सकता है थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन की भी जरूरत पड़ सके। एक्चुअली बीच का जो है ब्रेड का वो स्लाइस तो वैसे व्हाइट होता है, लेकिन ध्यान रखें कि वो सुपर व्हाइट नहीं होता है, प्योर व्हाइट नहीं होता है, इसीलिए हम थोड़ा सा हल्का हल्का इसमें स्किन कलर ऑकर येलो ये यूज करेंगे। अभी तो मैं इमेजिनरी कर रही हूं, तो मैं इस साइड से लाइट और इस साइड से डार्क इमेजिन करूंगी। तो फर्स्ट फिलिंग मैंने यहाँ पे दे दी है, उतनी ही रखूंगी। अब जो है मैं ब्राउन कलर का यूज कर रही हूँ, स्किन कलर एंड ब्राउन कलर का ज्यादा यूज करके मैं स्लोली स्लोली इफेक्ट देना है हमें। कलर को दूर पकड़ के अप्लाई करना है ताकि वो हल्के हाथ से अप्लाई हो। पहले अगर प्रेशर देके दबा के कलरिंग किया तो दूसरा कलर उस पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली ब्राउन नहीं करके रखना है, इसमें काफी हद तक थोड़ा आधा कच्चा भी होता है ना कभी कभी, तो वो भी दिखना चाहिए ब्रेड का। एक्चुअली सामने रियल स्लाइस रख के अगर आप कलरिंग करें तो और अच्छा है, बट एकदम बेसिक लेवल का जो ब्रेड है मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। काफी बार ब्रेड एग ऐसा सामने रखा जाता है तो आपको वैसे कलरिंग करना आना चाहिए। यहाँ पे लाइट साइड है इसलिए मैं इसको लाइट रख रही हूँ। स्किन कलर ऑकर येलो ब्राउन इन सबको मिक्स करते करते मैं कलरिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा व्हाइट से मैच कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे इस साइड से शेडो आ रहा है तो ये ब्रेड का यहाँ का एरिया थोड़ा सा अंधेरे में होगा, शेडो में आ जाएगा ये। प्रशियन ब्लू से मैं थोड़ा सा उसका शेडो नीचे के ब्रेड पे जो है गिरा उसका शेडो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान रहे कि प्रशियन ब्लू जरा भी मोटा ना लगे, पतली सी लाइन उसकी लगे। कभी भी हम कलर ऐसे गिन चुन के नहीं दे सकते, हमें जैसे रट्टा मार के कोई आंसर लिख देते वैसे नहीं होता है ड्राइंग, वो हमेशा एक अलग एक्सपीरियंस देता है। जब सामने जैसी चीज है, जैसा लाइट है, उसके हिसाब से हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। हल्का सा यहां से करते कि हमने छोड़ दिया है, पूरा कट टू कट आउटलाइन नहीं करना है ब्रेड के स्लाइस का। व्हाइट लेके मैं अभी इसको मर्ज करूंगी। हमेशा याद रखिए व्हाइट चीज कभी प्योर व्हाइट नहीं होती है, उसमें हमेशा आजू बाजू की चीजों का रिफ्लेक्शन दिखता ही है। अभी यहाँ पे बैकग्राउंड कुछ नहीं है इसलिए हमें लगेगा कि ब्रेड नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअली ब्रेड हो चुका है। उसे अननेसेसरी ज्यादा करेंगे तो खराब हो सकता है, तो मैं नीचे का जो ब्रेड स्लाइस हूँ वो भी इसी तरह से कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने दो स्लाइस कम्प्लीट कर ली है, जैसे कि नीचे की स्लाइस भी मैं उस पर थोड़ा सा व्हाइट अप्लाई कर रही हूँ। ऊपर की स्लाइस और नीचे की स्लाइस में थोड़ा सा मैंने डार्क ब्राउन एंड हल्का सा प्रशियन ब्लू दिया है, और एज यूजुअल जैसे शेडो हम करते हैं उसी तरह से शेडो प्रशियन ब्लू एंड ब्राउन से किया है। उस पर मैं हल्का सा व्हाइट घुमा के उसको मर्ज कर रही हूँ ताकि वो जो खुरदरा इफेक्ट है, टेक्सचर्ड इफेक्ट जो दिख रहा है, वो थोड़ा सा मैं उसको कम करके मर्ज कर दूं ताकि स्लाइस पे अच्छे से ध्यान जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना ब्रेड का स्लाइस काफी हद तक अच्छे से कंप्लीट हो चुका है।
बैकग्राउंड अगर हम करें उसकी तो और भी वो अच्छा दिख सकता है, क्योंकि ये भी लाइट है और पीछे का भी लाइट है, इसलिए वो इतना पता नहीं चल रहा है। तो मैं हल्का सा लाइट ब्लू का बैकग्राउंड उसको दे दूंगी। देखिए कलर पूरा फ्लैट लगाया है यहाँ पे हमने, इसको फ्लैट एप्लीकेशन कहते हैं, पेन जैसा फ्लैट कलर एप्लीकेशन करेंगे। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड के कारण काफी अच्छा सा इफेक्ट आ गया है। यहाँ मैंने लाइट थोड़ा सा व्हाइट कलर को मर्ज किया है, यहाँ मैं थोड़ा जो है ग्रे कलर